जी सहित सबका अभिनंदन करें। सर्वप्रथम मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस और यह पर्यावरण दिवस पर पूरा विश्व हमारे अपने इस प्रकृति की परमात्मा की देन को स्मरण करने के लिए पर्यावरण दिवस के नाते से इसकी महत्ता भी मानता है और इसके बारे में जागृति के लिए विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाने की एक परंपरा संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू कराई। एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, जगदीश चंद्र बसु को पौधे में प्राण होते इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार देने की पद्धति क्या, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे सम्माननीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि जो उस समय पद्धति थी, रॉयल सोसाइटी लंदन अंग्रेजों का शासनकाल था, दुनिया में अंग्रेजों की धूमधाम थी, आज भी जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है उसका परीक्षण बहुत प्रकार से करते हैं, वैज्ञानिक रीति से भी करते हैं, आंखों से दिखाना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि लंदन के अंदर जगदीश चंद्र बसु को बुलाया गया, उनसे कहा कि आप अपने पौधे में प्राण होते हैं इसको सबके सामने सिद्ध करके बताओ। तो उनने अपना एक पौधा लिया, पौधा लेने के बाद सबको दिखाया, ये पौधा अच्छा खिलखिलाता हुआ जीवंत पौधा था, उसमें एक इंजेक्शन लगाया और वो रॉयल सोसाइटी के वैज्ञानिकों के सामने भाषण देते रहे। और जब भाषण देते रहे थोड़ी देर बाद देखा कि वो बेहोशी का इंजेक्शन था, पौधा लटक गया। थोड़ी देर बाद अपना भाषण समाप्त किया, उन्होंने पौधा बताया कि देखो ये पौधा अपने उस मूल स्वरूप से बेहोशी की हालत में चला गया। सबने देखा, आश्चर्य से गजब हो गया। फिर वापस उनने बेहोशी के इंजेक्शन को दूर करने के लिए दूसरी दवाई दी, फिर घंटा आधा घंटा भाषण देते रहिए, थोड़ी देर बाद पौधा वापस तंतनाट हो गया। लोगों ने खूब ताली बजाए आनंद के साथ, कहा कि कितना बड़ा आपने ये प्रमाण दिया सबके सामने, आपने तो गजब कर दिया, पौधे में प्राण होते ये सबके सामने सिद्ध कर दिया, तो आपका बहुत मान सम्मान और उनको नोबेल पुरस्कार के लायक भी समझा गया, बहुत मान सम्मान हुआ। फिर उनका भाषण का मौका आया तो उन्होंने कहा आप तो भारत में आपका बहुत मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। बोले क्यों? बोले आपने कितनी बड़ी खोज की है, आपके लिए कितनी बड़ा सम्मान का मामला है। तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो हम सबके काम का है। उनने कहा कि भाई ये मैं लंदन में आपने मेरा सम्मान किया, आपने ताली बजाई, मेरे को नोबेल पुरस्कार दे रहे, वो अपनी बात है, लेकिन मेरे देश में मेरा कोई मान सम्मान नहीं होगा। तो लोगों ने कहा क्यों, आपके देश के लोग समझते नहीं क्या? बोले नहीं समझते, हमारे गांव से गांव वाला अनपढ़ आदमी भी जानता कि पौधे में प्राण हो जाता है, ये तो आपको मालूम नहीं थी इसलिए आपके लिए यहां बताने वाला मामला होता है, हमारी संस्कृति में ये सब पहले से ही है। तो ये हमारी अपनी संस्कृति, इतनी गौरवान्वित संस्कृति, जल में जीवन होता है, जल भी जीवंत होता है, ये संस्कृति भी हजारों साल से हमको अपने इस जीवन के साथ जल के महत्व को रेखांकित करके बताती है। ये नदियां, ये भारत माता जीवंत है, ये पृथ्वी जीवंत है, जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त की धमनियों से रक्त के प्रवाह से हमारा जीवन होता है, ऐसे ही नदियों के जल से ये भारत माता, ये पृथ्वी की जीवंतता की पहचान है। ये धमनियों की तरह रक्त का प्रवाह, इनका निरंतर प्रवाह रहना चाहिए, इनका प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए, इसकी तोड़फोड़, इसकी रुकावट, ये जैसे शरीर की रुकावट हो जाती, ऐसे ये शरीर के साथ प्रकृति की रुकावट नदियों के संदर्भ में बता रहा हूं। और इसके लिए खास करके गंगा बेसन की बात आपने माननीय प्रहलादजी भाई साहब में कही है, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में तो सारी नदियों का गंगा बेसन और एक बड़ी हमारे लिए सौगात है नर्मदा जी का। अधिकांश नदियां हमारी अपनी उत्तर भारत की जाकर के सब गंगा जी में समाहित होती है, इसलिए गंगा बेसन का जोरदार ताली बजाओ, मोदी जी के लिए नमामि गंगे अभियान उन्होंने चालू कराया। ये हमारे इस पूरे देश के प्रकृति के जल संरक्षण के बड़े अभियान में गंगा जी को रखेंगे शुद्ध, गंगा जी पे ध्यान जाएगा तो गंगा जी के बहाने पूरा अपने आप चला जाएगा। अब आप बताइए, बेतवा निकलती यहां से और बेतवा विदिशा से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही छतरपुर से आगे जाएगी तो बेतवा और केन बड़ी विशाल नदियों के रूप में, केन थोड़ी सूखी नदी है,
लेकिन बुंदेलखंड हमारा पूरा पैसा है, तो चेन के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की जिंदगी बदलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने 45,000 करोड़ रुपया हमको दिया और 45,000 करोड़ यूपी को दिया, दोनों मिलकर के नदी जोड़ो अभियान का बड़ा अभियान करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आपने यहां जल चढ़ाया, आने वाले समय में ये कई कई जीवन बचाने का काम करेगी। ये पूरा क्षेत्र सिंचित होगा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, और वो इतना सुखद संयोग है कि ये गंगा बेसिन में बेतवा से शुरू होकर के 5 तारीख के दिन हमारा अभियान प्रारंभ हो रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर 16 तारीख के दिन गंगा दशमी के गंगा दशहरे में आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं। उज्जैन में छिपरा जी के यहां पर भी हम समापन करेंगे इस अभियान का, तब वो गंगा बेसन में भी वो भी जल वही जाने वाला है। छिपरा जी से निकल करके जल जाएगा सीधा चंबल में, और चंबल जाएगी जमुना में, और जमुना फिर जाएगी गंगा में। ये हमारा गंगा बेसन का क्रम वापस वहां से चालू होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे अपने योगदान के माध्यम से नदी के संरक्षण को लेकर, जल के संरक्षण को लेकर के ये हमने लगभग 15 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं। इन 15 दिन के कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के लगभग 990 प्रकार के कार्यों की 3,090 करोड़ रुपए की लागत के सभी कामों का शुभारंभ एक तरह से हमारा आज से माना जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में चलेगा, हर जिले में, हर जनपद में, हर पंचायत में अपने अपने जल संरक्षण का संबंध हमारा जुड़ेगा। पर्यावरण के सभी प्रकार के काम होंगे, खास करके नदी के, तालाब के, कुएं के, बावड़ी के, इन सारे जल संरक्षण के हमारे अपने इस अभियान में उनकी साफ सफाई कराना, उन पर ध्यान आकर्षित कराना। और एक अच्छा काम ये जोड़ा है कि पौधों से प्राण आते हैं, तो एक तरह से पौधारोपण का काम भी चालू किया है। इसके साथ साथ स्टार डैम के फाटक की मरम्मत, संधारण, पुष्कर धरोहर तालाब के माध्यम से तालाब सरोवर और तमाम प्रकार के काम, और गांवों के अंदर जल फेरी, जल सम्मेलन, ऐसे बहुत सारे आयोजन हम करने वाले हैं। इसके लिए जिला, जनपद सारी समितियों का गठन करने वाले हैं, प्रत्येक जनपद में समन्वयक बना रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कामों के माध्यम से साथ साथ केवल गंगा जी का नाम लेने से केवल गंगा के किनारे नहीं होंगे, हमारी जितनी जलराशियां, जितनी पवित्र नदियां हैं, वो चाहे मां नर्मदा हो, मां ताप्ती हो, मां सोन नदी हो, जितनी बड़ी बड़ी नदियां देश की, हमको गर्व है कि सारी की सारी अपनी माता रानियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। हमारा सौभाग्य है। यहां से लेके वहां तक जोरदार अभिनंदन करो भगवान का, इसमें भगवान की देन है कि मध्य प्रदेश में इनके उद्गम है। लेकिन बात की इनकी धारा, जैसे हमारे यहाँ तो उद्गम हुआ है, अपन कभी कल्पना नहीं करेंगे बेतवा कितनी छोटी से दिखती है, और जैसे ही अगर आगे बढ़ोगे आप विदिशा से आगे, तो बेतवा के इस किनारे से उस किनारे तक और क्या धारा निकलती है उसकी, एक तरफ से गंगा जी की याद दिलाते, इतनी तीव्र धारा में बहती है। तो परमात्मा करे ये जीवन बहती रहे, सबको जीवन प्रदान करती रहे। और आज के इस अवसर पर जिला रायसेन के अंदर जिस जगह हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे यहाँ के विधायक माननीय पटवा जी का क्षेत्र है, जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए। ये पूरा क्षेत्र हमारे अपने उस भाग का हिस्सा है जिसको एक तरह से आपने कहा गोद ले ले, अब आपने मध्यप्रदेश की सरकार बनवा दी, तो सरकार में सब आ ही गए, जो आप चाहोगे वो सब होता रहेगा पूरे क्षेत्र के अंदर, किसी प्रकार की कोई तोड़ कसर बाकी नहीं रहेगी। और एक शेरवेल घूम रहा है कहीं रायसेन जिले में, तो हमने फॉरेस्ट वाले से कहा है कि हमारे लिए जिंदा रहना जरूरी है टाइगर का भी, लेकिन टाइगर के साथ साथ जनजीवन भी सामान्य बना लेना जरूरी है। अगर वो जनहानि करता है तो निश्चित रूप से उससे बचाना चाहिए, इसलिए इनके लिए जो भी करना हो वो सब करके उससे जीवन और जानमाल की रक्षा करने का काम भी हमारा है। ये निर्देश में मैं पहले जारी कर चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपके क्षेत्र में आया था, तब सब परिवार आया था, कैलाजी भाई साहब सब परिवार आए, मैं शांति पुष्टि से आकर के इस पूरे जंगल के अंदर तो 1-1.5 दिन तक का पूरा अपना मन अच्छा लगे, इतना अच्छा जंगल है वो जंगल, तो क्या ये जंगल में मंगल है, इतना अच्छा लगता है कि वाकई ऐसा लगता है। अभी कोई कल्पना कर सकता है कि मंजूर की गर्मी में भी हम यहाँ आराम से बैठ करके इस पूरे प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, तो भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे, और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री
जोरदार ताली बजाओ। तीसरी बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार हम सब जानते हैं कि ये बदलते दौर का समय है और बदलते दौर के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि भूतों में भविष्य, और उस रिकॉर्ड के बलबूते पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और हमें इस बात का भी आनंद है कि गरीब परिवार के व्यक्ति घर से शुरुआत करके माननीय मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव लड़ा, तीन बार मुख्यमंत्री गुजरात के, जोरदार ताली बजाओ, और गुजरात का उन्होंने पूरा कायाकल्प किया। ये नर्मदा नदी के माध्यम से पूरा गुजरात जल राशि के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल दिया। अब तो राजस्थान वाले भी मांग रहे हैं कि हमको नर्मदा जी का पानी दे दो। तो ये सौगात भी मध्य प्रदेश की है, और इसके बाद पूरे देश के लिए नमामि गंगे अभियान के माध्यम से पूरा देश मोदी जी की जीत में खुश है और आनंद में डूबा हुआ। और भगवान करे अब की बार जो सरकार बनेगी, ये हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये पंच महाभूत मूल तत्व जिसमें जल तत्व भी बहुत महत्व का है, ऐसे सारे तत्वों को लेकर के यहाँ की प्रकृति को भी संरक्षित करते हुए दुनिया के अंदर मानवता का झंडा गाड़ने के लिए, भारत की मेधा प्रतिभा को दुनिया के अंदर परिचित कराने के लिए मोदी जी फिर सरकार में बैठे। और कल का उनके भाषण के विस्तार में हम जाए तो समझ में आ जाएगा कि मोदी जी अब जो संकल्प करके आगे बढ़ेंगे वो पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाला रहेगा। आपके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो, मैं मोदी जी को भी बधाई पहुंचाता हूं हमारे इस अभियान के माध्यम से। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, यशस्वी हो, उनकी सरकार सभी प्रकार के वर्गों के सभी विकास के काम करते हुए पूरे भारत को गौरवान्वित करेगी, ये मैं शुभकामना देता हूं। और आप सबको खास करके ग्रामीण पंचायत विभाग को, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब को, उनके पूरे विभाग को भी बधाई देता हूं जिनने ये सुंदर आयोजन किया है। और ये लगातार नदियों के उद्गम से जो कार्यक्रम जुड़े हैं ये लगातार चलते रहेंगे।